याद आते हैं वो बचपन के सुनहरे दिन जब खिड़की से झांककर टीवी देखा करते थे, हर वक्त बड़े होने की दुआ करते थे। आज भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, पर वो बचपन की हंसी ढूंढा करता हूँ पल पल आज। सोचा था सिलीगुड़ी आके थोड़ा सा ठंडा माहौल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी दिन में वही गर्मी है, हालत ख़राब हो गई। इसी वजह से मैंने कल व्लॉग शूट नहीं किया और मैं चला गया अपनी फ्रेंड के घर पे। एनीवेज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। ओके, तो कोई अगर सिलीगुड़ी आ रहा है, अगर उसको होटल में रुकना है तो यहाँ पे दी होटल मैपल है 12327, तो आप यहाँ आके रुक सकते हैं। डायरेक्ट डील आपको अच्छी मिल जाएगी और अगर आप मेरा नाम लेते हैं तो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लेकिन अभी मुझे यहाँ से उतारना है और थोड़ा सा टेंशन हो रहा है क्योंकि बाइक जाएगी बिल्कुल बैक और ट्रैफिक कंटिन्यू चल रहा है, बस इसी चीज़ का डर था। चलो भैया, तो हम लोग जिस चीज़ के लिए आए हैं अब हम लोग वही चीज़ स्टार्ट करेंगे। बहुत हो गया रोड दिखाना, अब आता है नेचर के साथ एंजॉय करना, नेचर को फील करना। तो फिलहाल वहाँ से निकल के हम लोग आ गए हैं दार्जिलिंग वाले रोड पे और भाई साहब एक चीज़ मेरे को देखने के लिए मिली, मतलब जो आज तक मैंने पिक्चरों में देखी थी और व्लॉग्स के अंदर देखी थी वो आज मैं लाइव देख रहा हूँ। मेरे राइट साइड में ये है ट्रेन की पटरी, और वो भी आप समझ गए होंगे कौन सी वाली पटरी है, ये वही छोटी टॉय ट्रेन वाली पटरी है जो सीधे जा रही है दार्जिलिंग। ओ भाई साहब, बड़ी सुंदर सी लग रही है यार, और कितना अच्छा लगेगा ना जब साथ में ट्रेन चल रही होगी और इस रोड पे हम लोग भी राइड कर रहे होंगे, एक अमेजिंग ही व्यू होगा। लेकिन अभी कोविड की वजह से उसको बंद किया हुआ है, लेकिन वो बोलते ना लाइफ में हम जो चाहते हैं हमें मिलता तो है देखने के लिए या काम करने के लिए कुछ भी चीज़, लेकिन ज़रूरी नहीं है सेम वैसे ही मिले, सिचुएशन बदल सकती है। तो हम लोग दार्जिलिंग वाले रोड से निकल के आ गए मिरिक वाले रास्ते से, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस है नियर अबाउट सिलीगुड़ी। आप मेरे लेफ्ट और राइट साइड में देख सकते हो अमेजिंग व्यू है, जंगल कितना सुंदर लग रहा है यार, और ठीक राइट साइड में आपको दूरी पे दिख रहे होंगे माउंटेंस जो अभी थोड़ी देर में शुरू होंगे, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। हाँ, हम लोग अभी वहाँ नहीं जा रहे हैं यार, रुको तो ज़रा यार, आप लोगों को इतनी जल्दी हो जाते हैं सब कुछ जानने के, व्लॉग के एंड तक सब कुछ बताता हूँ ना। और दूसरी चीज़, ये एरिया है टोटल एलिफेंट कवरेज का, यहाँ पे एलिफेंट क्रॉस करते हैं और अगर उनके बीच में कोई भी आता है हीरो बनने की कोशिश करता है तो भाई साहब वो उन्हें ना सबक सिखा ही देते हैं कि बाप बाप होता है और इंसान इंसान होता है। तो फिलहाल जंगल है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, डिफरेंट टाइप का फील आ रहा है यहाँ पर। और अभी आगे जाके आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। मैंने सोचा था दार्जिलिंग जाके टी गार्डन देखने को मिलेगा, लेकिन ये तो सिलीगुड़ी में मिल गया। ये देखो भाई साहब क्या मज़ेदार व्यू है, ग्रीनरी एक नंबर, जबरदस्त। ओ भाई सुपर। Thank you.
यार ये हेलमेट पहन के ना बाल वगैरह शक्ल पूरी ऐसी जैसी हो जाती है। फिलहाल शक्ल को छोड़ो, अगर हमें कैंपिंग वगैरह करनी है तो कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। और दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने कहा था कि सिलीगुड़ी तरफ और असम की तरफ काफ़ी सारे सांप हैं जैसे कि आप सब लोग जानते हो, तो उनसे बचने के लिए हमें आज कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है हमारा तो वास्ता ही है, इनसे दोस्ती हो गई है, ये बिन बुलाए आ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो आज कुछ और गड़बड़ी हो तो हम लोग रुके हैं एक हार्डवेयर वाली शॉप पे, जहाँ से हम लोग लेने वाले एक डीटी पाउडर और एक लिक्विड, जिससे हम लोग टेंट के चारों तरफ डाल देंगे और उनसे प्रिकॉशंस हो जाएगा। तो ये चीज़ है, इसको यूज़ करेंगे। और एक ये हो गया लिक्विड और उधर हो गया पाउडर। तो ये लिए बॉटल जो घर के चारों तरफ हम लोग डाल देते हैं, इसकी फ्रेगनेंस इतनी होती है कि कोई भी जंगली जानवर और कीड़े मकोड़े घर के अंदर नहीं आते, ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं इसको। वैसे तो खेती में यूज़ होता है, लेकिन हम लोग यूज़ करने वाले हैं आज कैंपिंग में। यार 40-50 रुपये की चीज़ है, अगर ये चीज़ डाल के हम लोग सेफ कैंपिंग कर सकते हैं जंगल के अंदर तो क्या बुरा है। और एक चीज़ और, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो घर इतने क्यूट से बने, इतने सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आसमान छू रहे हो, बेसिक घर बनाए हुए, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना रहना है और नेचर को उतने ही सेफ रखना है। मतलब मज़ा आ रहा है देख के यार, दिख रहा है नहीं, दिख रहा हूँ ना, मज़े आ रहे हैं सही में भैया, मज़े ले लो तुम वीडियो बैठे बैठे, लाइक मत कर देना है ना, और शेयर भी मत कर देना, और जितने भी नए लोग देख रहे हो सब्सक्राइब तो करना ही मत बिल्कुल भी, वीडियो आ ना देख के चले जाना। सही है भैया, सब्सक्रिप्शन कहाँ से, ये भी नेटफ्लिक्स की तरह रिचार्ज कराना होता ना, यूट्यूब मज़ा आता आप लोगों को ना, तब पता, तब अहमियत होती आपके भाई की। अब मजाक करो, बुरा मत नहीं मानना, थोड़ा थोड़ा मजाक करना चाहिए, क्योंकि ट्रैवल में तभी मजा आता है करने में। आप लोगों को लगता है कि सैम भाई ओवर एक्टिंग मत किया करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, उससे मन लगा रहता है। चलो लेट्स गो, राइडिंग विथ पीस। तो लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के पास, लेकिन उससे पहले हमने सोचा क्यों ना कुछ खा लिया जाए, क्योंकि भूख बहुत जोरों से लग रही थी। तो यहाँ पे मिल गया एक हमें छोटा सा रेस्टोरेंट, और यहाँ पे हमने क्या है, यहाँ पे बेसिक फूड, मतलब लोकल फूड, जैसे चाउमीन और मोमोज हो गए, थुपका हो गया, कुछ समथिंग आर डिफरेंट ट्राई करने वाले हैं, ताकि जैसा टेस्ट है वो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर सके। बाकी कैंपिंग में हम लोग तो अपना फूड कुक करेंगे ही। गर्मी बहुत है मेरे भाई, गर्मी बहुत है, कैसा लग रहा है अभिषेक? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और गर्मी तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, मतलब बहुत ही अलग लेवल का गर्मी है। अभिषेक की आवाज़ ऐसी नहीं लग रहा जैसे न्यूज़ पे, जैसे आप कोई न्यूज़ चैनल देख रहे हो, है ना? थोड़ा सा चेंज करेगा, मतलब धीरे धीरे व्लॉगिंग्स करता जाएगा तो अपना अपग्रेड होता जाएगा मेरी तरह, जैसे मेरा था पहले। आप देख सकते हो कि कैसे मैं व्लॉग करता था। जब तक फ्रेश फ्रेश अपना खाना बन रहा है तो कोका कोला पी ली जाए, ये लो भाई ठंडा लियो। और भाई साहब क्या लग रही है निम्बस, देखोगे दिखाता हूँ। लग रही है ना जबरदस्त, इसे देखते प्यार होता है यार, देखते मतलब मन नहीं करता, ऐसा मन करता बस देखता रहूँ। अभी तो फिलहाल ये कम लोडेड है, जब ज़्यादा लोडेड होती है तो और ज़्यादा मज़ा आता है इसे देखने में। तो हमारे सामने आ चुका है फूड, जो दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। इधर हो गए अपने मोमोज, और ये है थुपका, दिखाना ज़रा। ओए होए होए होए, क्या बात है। तो जितने भी मेरे नॉर्थ ईस्ट वाले भाई लोग हो यार, मज़ा आ गया देख के ये खाना, सच बता रहा हूँ। और जो लोग दिल्ली में रहते हैं, यहाँ आने के लिए टाइम नहीं मिलता अपने बिजी शेड्यूल से, तो देख लो आपको मैं दिखा के खा रहा हूँ, दिखा के ही खाऊँगा, ताकि आप लोग अपने होम टाउन को मिस करें अच्छे से। सॉरी, जबरदस्त, यहाँ चाउमीन बच गया है, मोमोज बच गया है,
तुक्का बच गया है। एक्साइटमेंट में हमने इतना ऑर्डर कर दिया कि क्या बताऊँ आपको। और दूसरी चीज़ खा लिया है, पेट भर चुका है, टेस्टी भी बहुत है, लाजवाब है खाना। और तीसरी चीज़ अब ये खाया नहीं जा रहा है, पेट हो चुका है बिल्कुल फुल। लेकिन हम इसको बर्बाद नहीं करेंगे, इसको करेंगे पैक और कैंपिंग में जब जाएंगे तो नाइट में अपने डिनर के भी काम आ जाएगा। फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए, सही बात है। मज़ा आ गया, बिल्कुल शांति मिल रही है भाई साहब, पेट क्या फुल हो चुका है, ज़बरदस्त मज़ा आ गया खाना खा के। और दूसरी चीज़ जो खाना बच गया था वो हमने उधर पैक करा के रख लिया है आगे की तरफ। और अब चल रहे हैं अपने सीधे लोकेशन पर जहाँ हम लोग आज कैंपिंग करेंगे। ओहो क्या जबरदस्त लोकेशन है यार, मजा आ जाएगा यार। उधर तो नीचे जाने का भी रास्ता है, हम लोग उधर भी कैंपिंग कर सकते हैं। लोग भी दिख रहे हैं, बाइक सर कार भी दिख रही है, वाड़े वाह। और ये भी यही करते हैं कैंपिंग आज, क्या कहते हो, यही कैंपिंग करते हैं, मज़ा आ जाएगा। रिवर है, लेट्स डू इट मैन, दैट मीन्स कि हमारी बाइक वहाँ तक चली जाएगी नीचे तक। यही करें कैंपिंग, बढ़िया लग रहा है लोकेशन। चलो गाइस हम लोग फिर चलते हैं नीचे, आई थिंक यहाँ से होगा रास्ता नीचे जाने का ना। चलो उधर तो फिर थोड़ा सा देखते हैं, पहले इस तरफ नीचे चलते हैं, बाकी देखते हैं पहले इस तरफ नीचे चलते हैं, अदरवाइज़ फिर इधर देखेंगे क्योंकि इधर की भी लोकेशन ज़बरदस्त दिख रही है। पर यहाँ पे कुछ मेरे को लग रहा है कुछ बनाया हुआ है पिकनिक स्पॉट टाइप का, चलो इधर ही चलते हैं। चलो ओके, तो यहाँ पे शॉप है और अरे वाह ये तो ऑफ रोड हो गया ज़बरदस्त वाला। संभल के मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई थोड़ा संभल के, नहीं तो मुंह टूट जाएगा। ज़बरदस्त मज़ा आ गया। आपको ये आवाज़ सुनाई थी, चिकन विशाल हड्डी हड्डी ना दे दीजिए।